हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग पास्ता। तो फ्रेंड्स, हमने एक पैन में पानी लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा एक दो कटोरी पास्ता डाला है और उसमें हमने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक एंड धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं मैगी मसाला, तो हम इसमें डाल देंगे पूरा पैकेट एक मैगी मसाले का। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग टू जितना आपको नमक पसंद है। अगर आप ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्लेम को फुल कर लीजिए तो आपका पास्ता जल्दी बनेगा। अब हम इसमें एक टमाटर डालेंगे, दो हरी मिर्च डालेंगे। तो हमने एक टमाटर ले लिया है और ये हरी मिर्च ले ली है, काफ़ी बड़ी है तो हमने एक ही ली है। तो आप इसको, हरी मिर्च को इतने इतने पार्ट में काट लीजिए, थोड़े बड़े, और टमाटर को हमने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब हम इन सभी को इसमें डाल देंगे और फुल फ्लेम पे इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से इसमें मैश ना हो जाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 2 टेबलस्पून सॉस डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो हम पास्ते के साथ में थोड़ी चाय भी बना लेते हैं। हमने एक पैन में दूध ले लिया है, ये 1 कप दूध है। इसमें 1 चम्मच पत्ती डालेंगे, इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तो अब हम इसमें एक इलायची डालेंगे, 1 या 2 डाल देते हैं, और 2 लौंग डालेंगे। और थोड़ी सी अदरक डालेंगे, इसको पहले अच्छे से हम कूट लेते हैं अदरक को। एडिंग दिस, और इसको फुल फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। और साइड में हमारा एक पास्ता भी रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये बहुत अच्छा बना है टेस्ट में। और हमारी चाय में भी उबाल आने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसका मीठा टेस्ट कर लेते हैं। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें उबाल आ गया है और इसको अच्छे से पकने देते हैं। जब तक कि अच्छे से नहीं पकेगी बहुत बेकार लगेगी। चाय अच्छी, ज़्यादा पकी हुई ही अच्छी लगती है। अब हमारी चाय अच्छे से पक चुकी है, अब इसको हम सर्व करते हैं। हमारा इवनिंग ब्रेकफास्ट तैयार है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।